आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन। मुंबई पुलिस द्वारा पत्रकार अरवन गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश भर पत्रकारों में आक्रोश दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि पत्रकार प्रेस क्लब प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक के नेतृत्व में वाराणसी मुख्यालय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत के प्रधान संपादक अरवन गोस्वामी की गिरफ्तारी पर पत्रकार प्रेस क्लब के सैकड़ों पत्रकार हुए लंबन। वाराणसी के पत्रकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार रिपब्लिक भारत के पत्रकारों पर शोषण के आरोप लगाए। अरवन स्वामी के रिहा के लिए बनारस में पत्रकार भी हुए लंबन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भेजे गए। वहीं जब तक रिपब्लिक भारत के पत्रकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिहाई नहीं किया जाएगा, तब तक पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सैकड़ों पत्रकार वाराणसी के मुख्यालय पर एकजुट होकर अरवन गोस्वामी की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं घनश्याम पाठक, पत्रकार प्रेस क्लब का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज वाराणसी कचहरी मुख्यालय पर हम लोगों का आने का उद्देश्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने R9 भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा है। महाराष्ट्र सरकार की यह कार्रवाई देश के लिए यह एक कलंक है। हम लोग आज पत्रकार प्रेस बैनर के तले जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर के जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर अर्णव गोस्वामी को न्याय दिलाए, अन्यथा पत्रकार प्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजाने का काम करेगी। हर गली और चौराहे पर हम लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाएंगे और यह जन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पत्रकार साथी अर्णव गोस्वामी को न्याय नहीं मिल जाएगा। प्रेस क्लब जिंदाबाद। यह था बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।